जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरी नई वीडियो के ऊपर। तो दोस्तों, यहां पर मैं आप सभी लोगों के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी के बारे में जानकारी लेके आया हूं, जिसके अंदर महिलाएं और पुरुष दोनों आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पर अग्निपथ अग्निवीर की भर्ती निकाली गई है, जो कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 46,000 यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है ऑल ओवर इंडिया। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है अग्निवीर की। यहाँ पर पोस्ट पाने का आप सभी लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मौका आ चुका है। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों यहाँ पर केवल 10वीं पास योग्यता मांगी गई है। जी हाँ, यदि आप केवल 10वीं पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक और काफ़ी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सभी कैटेगरी की कैंडिडेट्स के लिए, यानी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस बिल्कुल फ्री रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। और बात करें कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं भर्ती जुलाई तक यहाँ पर करी जाएगी 2022 में। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका आ चुका है ऑल ओवर इंडिया। आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत देखिए। आपको इस वैकेंसी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी मैं दिखाने वाला हूँ दोस्तों, और आगे की जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। सबसे पहले बात करें पोस्ट की, तो दोस्तों यहाँ पर टोटल वैकेंसी 46,000 यानी 46,000 यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। इंडियन आर्मी की तरफ से अग्निवीर की यहाँ पर पोस्ट रखी गई है। लोकेशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हों, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें एज लिमिट की, तो दोस्तों यहाँ पर 17.5 वर्ष की उम्र से लेकर 23 वर्ष की उम्र तक आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 17.5 वर्ष की उम्र से लेकर 23 वर्ष की उम्र तक आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों यहाँ पर केवल 10वीं पास योग्यता मांगी गई है। जी हाँ, यदि आप 10th पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली जाएगी, उसके बारे में आपको मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसके अंदर आपको इस वैकेंसी का जब पूरा डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, अभी तो केवल शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, बाकी जब भी इसका डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा मैं आपको आगे अपडेट दे दूँगा दोस्तों। सैलरी की यदि बात करें, तो दोस्तों यहाँ पर जो शॉर्ट नोटिस अभी निकाला गया है उससे अपन डिस्कस करने वाले हैं कि सैलरी यहाँ पर क्या रखी गई है। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखना, नोटिस को डिस्कस करते समय आपको मैं सैलरी के बारे में जानकारी दे दूंगा। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस की, तो दोस्तों यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी, इन सभी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर कोई फॉर्म फ़ीस नहीं है। ऑनलाइन मोड में यहाँ पर आवेदन करे जाएंगे, अभी आवेदन स्टार्ट नहीं हुए हैं दोस्तों, अभी चालू नहीं हुए हैं, जल्दी यहाँ पर जारी कर दी जाएंगे। इसका पहले डिटेल नोटिस को जारी किया जाएगा, मैं आपको आगे अपडेट दे दूँगा दोस्तों जैसे ही यहाँ पर इसके आवेदन फॉर्म जारी कर दिए जाएंगे। ये हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अग्निवीर की वैकेंसी निकाली गई है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 46,000 यहाँ पर वैकेंसी रखी गई है। आर्म्ड फोर्स की तरफ से यहाँ पर यंगर, फिटर, डाइवर्स, इन सब के यहाँ पर वैकेंसी रखी गई है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं आपको सैलरी के बारे में जानकारी दी गई है दोस्तों। पहला साल, फर्स्ट ईयर जो यहाँ पर रहेगा, आपका मंथली पैकेज 30,000 रुपये मंथली दिया जाएगा, लेकिन इन हैंड सैलरी आपको 21,000 रुपये दी जाएगी। और बाकी जो 30% है वो 9,000 रुपये है दोस्तों आपकी सैलरी का, जो कि कंट्रीब्यूशन फंड के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। वैसे ही दूसरे साल आपकी सैलरी 33,000 रुपये कर दी जाएगी, इन हैंड सैलरी आपको 23,100 रुपये दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर कंट्रीब्यूशन फंड के लिए यहाँ पर आपकी 30% सैलरी को दिया जाएगा, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और नीचे आपको और भी जानकारी यहाँ पर दी गई है, लेकिन दोस्तों अभी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है। जैसे ही डिटेल नोटिस आ जाएगा उसमें मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। और अभी जो इसके वैकेंसी के फॉर्म है अभी जारी नहीं हुए हैं, हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ यहाँ पर जारी कर दिए जाएँ। तो दोस्तों देखते हैं अभी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।